नमस्कार, मिर्च की खेती पार्ट वन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लगाने का सही समय क्या होता है मिर्च को, दूसरा खेत की तैयारी कैसे करें, तीसरा मल्चिंग कौन सी लगाएं और कितने माइक्रोन की लगाएं, ड्रिप कैसे लगाएं और बेसल डोज की सही मात्रा क्या है और नर्सरी डालने एवं प्लांटेशन का सही समय क्या है, प्लांट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक हमारे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले लगाने का जो अनुकूल समय है उसके बारे में। तो मिर्च की खेती यदि हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो आपको जो लगाने का अनुकूल समय है वह है जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। बात करते हैं अगले बिंदु की और खेत की तैयारी कब और कैसे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल कट जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो मई जून के महीने में आपको डीप गहरी जुताई कराना है प्लाऊ के माध्यम से। और उसके बाद जब गहरी जुताई हो जाए आपकी, तो आपको खेत 15 दिन के लिए खाली छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि जो मोथा की जड़ें होती हैं साइप्रस रोटंडस की, और फंगस अपनी कॉलोनी बना के रखती है ज़मीन के अंदर, और नेमेटोड की जो प्रोजनी रहती है, प्रजातियां रहती हैं, वो सब प्लाउ करने से ऊपर आ जाती हैं ज़मीन के। और जब आप खेत 15 दिन 20 दिन के लिए तेज़ धूप में छोड़ देते हैं, तो वो कॉलोनी और वो फंगस की जो कॉलोनियाँ हैं, नेमेटोड हैं और कीड़ों के जो अंडे हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद फिर आप जब आपका खेत लगभग 20 दिन की तेज़ धूप खा ले, उसके बाद फिर जो बड़े बड़े ढेले होते हैं खेत में, उनको आपको 15 दिन बाद आपको कल्टीवेटर चलाकर उनको छोटे कर लेना है और रोटावेटर की मदद से आपको भुरभुरी कर लेना है ज़मीन को, मिट्टी को एकदम। जब भुरभुरी हो जाए उसके बाद फिर आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर की सहायता से आप बेड बना लीजिए। और बेड बनाने के बाद फिर आपको एक निश्चित दूरी के बेड बनाने हैं। जैसे मान लीजिए फसल आप मिर्च लगा रहे हैं तो उसके अनुसार बेड बनाने हैं, टमाटर लगा रहे हैं या कोई अन्य फसल लगा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बेड बनाना चाहिए किसान भाइयों। जब बेड आपके ठीक तरीके से बन जाए तो आपको हम जो बेसल डोज के रूप में खाद एवं उर्वरक बताने वाले हैं, उनको आपको ठीक तरीके से अपनी जो बेड बने हुए हैं उस पर बिछा देना है, देना है किसान भाइयों। जब बेड आपके तैयार हो जाएं, तो बेड तैयार करते समय जो आपको चौड़ाई रखनी है बेड से बेड की, वो 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए, और बेड की जो ऊंचाई है वो 1 फीट रखनी चाहिए, और बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए। और बेड बनने के बाद आप 3 से 4 ट्रॉली अच्छी पची हुई गोबर की खाद लीजिए, और खाद को बेड के ऊपर हाफ लेयर के रूप में इस तरह से बिछा दीजिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं किसान भाइयों। तो कुछ इस तरह से आपको गोबर की खाद बिछा देनी है, और जब गोबर की खाद बिछ जाए उसके बाद आपको बेसल डोज के रूप में इन खादों को देना है। बेसल डोज के रूप में आप 50 किलोग्राम DAP खाद, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलोग्राम रिजेंट दानेदार वाली आपको लेनी है। इससे क्या होगा कि रिजेंट दानेदार आप डाल देंगे तो जो दीमक की समस्या है, दीमक की समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं रिजेंट दानेदार डाल के। इनको अच्छी तरह से, ठीक तरह से आपको मिक्स करना है, मिलाना है और फिर बेड के ऊपर आपको डाल देना है। जब आप इन खादों को डाल देंगे, इसके बाद फिर से आपको बेड तैयार करना है या बेड में मिट्टी चढ़ा देनी है, फिर से आपको बेड तैयार करने हैं। और जब आपकी बेड तैयार हो जाए ठीक तरीके से, अच्छी तरह से खाद मिल जाए, उसके बाद फिर आपको जब बेड रेडी हो जाए, तैयार एकदम हो जाए, तो ड्रिप इन लाइन आपको 16 mm की लेनी है। और 16 mm की जो ड्रिप आपने ली है उसको आपको जो बीच में आपकी मेन लाइन है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं वाइट कलर के जो प्लास्टिक के पाइप हैं, इनसे आपको कनेक्ट कर देना है। जो आपकी सब लाइन है उसको आपको कनेक्ट कर देना है ठीक तरीके से। बटन वाली ड्रिप का उपयोग आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और आप प्लांटेशन जिगजैग और सिंगल लाइन में दोनों तरह से कर सकते हैं। सिंगल लाइन पर यदि प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। वहीं यदि आप जिगजैग तरीके से प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको 2 फीट दूरी रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। और इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आप ड्रिप को बिछा दीजिए और इसके बाद आपको मल्चिंग पेपर बिछाना है ड्रिप के ऊपर, फिर मल्चिंग पेपर बिछाना है। मल्चिंग पेपर यदि आप 6 महीने से अधिक समय के लिए फसल लगाना चाहते हैं तो 30 माइक्रोन की लगाएं। यदि 6 महीने से कम समय के लिए आप फसल लगाना चाहते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने तक फसल चलनी है, तो आप 25 माइक्रोन की 20 माइक्रोन की जो मल्चिंग पेपर आती है सिल्वर कलर की, उसको आपको लगाना चाहिए किसान भाइयों। और ठीक तरीके से ड्रिप का इंस्टॉलेशन करना चाहिए। और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से बैठ के दोनों तरफ मिट्टी को काट दीजिए। क्यों काटना है? क्योंकि जब आप मल्चिंग बिछाएंगे तो मल्चिंग ठीक तरीके से आपकी बेड के ऊपर बिछ जाए। और मल्चिंग को एक तरफ कोने पे किनारे पे मिट्टी से दबा दीजिए और दबाने के बाद फिर दो आदमी उसके रोल को पकड़कर बेड के ऊपर बिछाते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे और इस तरीके से आप मल्चिंग बिछा देंगे। मल्चिंग को दोनों किनारों से मिट्टी से दबा दीजिए कुछ इस प्रकार से। अब एक बात विशेष ध्यान रखिए, कोई नहीं बताएगा, यदि नए किसान हैं आप तो जब भी आप मल्चिंग पेपर बिछाएं उससे पहले आपको 2 बार लगभग 2-2 घंटे के लिए 2-2 दिन के अंतराल पर ड्रिप को चलाना है। क्यों? क्योंकि जो बेड में गर्माहट होगी वो गर्माहट आपकी निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उसके बाद मल्चिंग पेपर बिछाएंगे तो ठीक तरीके से आपकी जो मिट्टी बैठी हुई है उस पर आपकी जो मल्चिंग है वो ठीक तरीके से फिट हो जाएगी और ड्रिप ठीक तरीके से काम करेगी। तो ड्रिप के लिए आपको फिल्टर लगेगा, बेंचुरी लगेगी, इसके अलावा इमीटर्स लगते हैं और मेन लाइन, सब लाइन, और इसके साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण है नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोटरेज लगेंगे और फर्टिलाइजर्स लगेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगेंगे। और साथ साथ आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है एक टेक्निकल ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, तकनीकी ज्ञान का होना बहुत अति आवश्यक है यदि आप ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं। और इसके बाद अगले विषय पर बात करते हैं, आपको ड्रिप बिछ गई मल्चिंग के ऊपर आपको अब होल करने हैं, तो होल 2 इंची करने हैं आपको और कुछ इस तरीके से आप लोहे के पाइप में आप बना लीजिए और फिर आप होल करिए। यदि आप न्यू किसान हैं, नए फार्मर हैं, तो आप जिग जैग तरीके से आप मिर्च की खेती कीजिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और किसान भाइयों, जो आपको किसी ने आज तक बताई नहीं होगी और आप में से कुछ लोग हो सकता है यूज भी करते हों, प्लांटेशन जैसे अगले हफ्ते आप करने वाले हैं तो उससे पहले आप 4-4 दिनों के अंतराल पर ट्राइकोडर्मा बिरडी बेंचुरी के माध्यम से 2 बार आप चला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी फसल में फंगस के द्वारा होने वाली जो बीमारियाँ हैं जैसे डैम्पिंग ऑफ है, तो इन बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम ट्राइकोडर्मा बिरडी का घोल चला देते हैं तो हम इन बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे किसान भाइयों। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि नर्सरी कैसे तैयार करें। तो यदि आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप जून के महीने में नर्सरी डाल दें, आप 20 जून या 1 जुलाई के आसपास डाल दें। और किसी भी हालत में आपको जो प्लांटेशन है मिर्च का वो आपको स्वस्थ नर्सरी जब आपकी तैयार हो जाए लगभग 25 दिन में तो जुलाई के एंड तक आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए किसान भाइयों। यदि इस समय तक आपका प्लांटेशन हो जाता है तो आपकी जो फसल है वो एकदम हरी भरी दिखेगी, स्वस्थ दिखेगी और अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप किसान भाइयों मिर्च की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। पार्ट वन में हमने आपको संपूर्ण जानकारी खेत की तैयारी के बारे में बताई, इसके बाद हम पार्ट टू लेकर बहुत जल्दी ही आएंगे, उसमें आपको आगे की जो जानकारी है उसके बारे में बताएंगे किसान भाइयों। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सकें। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।